एवरीवन वेलकम बालाजी क्लासेस बाई वाजपेयी सर में एक बार फिर से हम लोग शामिल हो चुके हैं नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, हमारा जो नया चैप्टर है वो है एक्सरसाइज अभ्यास 7। अभ्यास कौन सा है? 7 यानी लेसन 7 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, फॉलो कर रहे थे NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री। इसको पढ़कर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो, आप किसी भी क्लास में 6, 7, 8, 11, 12 में हैं या फिर आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि हमें आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए सबसे पहले कहानी लिखी, क्या लिखा है? लिखा है अनघा निकली शहर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र वाराणसी उत्तर प्रदेश, तो दो बातें, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र ने मुंबई में, और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा। क्या कर रही है? वो लोग टूर पर जा रही है। अनघा कहाँ जा रही है? अपने कॉलेज से शायद टूर पर जा रही होगी। तो अनघा की अध्यापिका से उनकी माँ ने कहा, टीचर से कहा, क्या कहा? बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ, कहाँ? सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो लोग एक ट्रिप पर जा रही थी, टूर पर जा रही थी। ये बातें कही उनकी माँ ने, अनघा की माँ ने उनके टीचर से। अनघा के विद्यालय से एक टूर जा रहा था। तो ये डिस्कस करते हैं क्या बातें कही गई इस पूरी कहानी में, डिस्कस करते हैं, ठीक है, कौन सी बातें इस कहानी में बताई गई। चलिए डिस्कस करते हैं। लिखा है बुद्ध की कहानी। कौन सी कहानी है? बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इन्हें एक नाम से, किस नाम से नहीं जाता था? इन्हें गौतम के नाम से। किस नाम से? इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका दूसरा नाम था गौतम। गौतम के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करें, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। यानी इनका जन्म कब हुआ? जब महाजनपद के कुछ राजा क्या हो गए थे? बहुत शक्तिशाली हो गए थे। आगे बात किया जाए, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। हजारों सालों के बाद फिर से ये नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 में देखेंगे हम लोग, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस हमको एक फैक्ट मिला जो हमको लर्न करना है, यही कि बुद्ध जी का फैक्ट ये मिला कि बुद्ध जी के बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म आज से 2500 साल पहले यानी 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बस बाकी यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हमने जनपदों के विषय में पढ़ा, जनपद के राजा शक्तिशाली हो रहे थे, कुछ ऐसा बताया गया, ठीक है। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको नहीं मिल रहा है। आगे देख लें, फिर बात जो अगली इंपॉर्टेंट बात फिर हमें मिल रही है, लिखा है बुद्ध क्षत्रिय थे। मोस्ट बार पूछा जाता है गौतम बुद्ध के कौन से धर्म के थे, तो गौतम बुद्ध क्या थे? बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध जी कैसे थे? बुद्ध क्षत्रिय थे। कैसे थे? क्षत्रिय थे, बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे। तथा शाक्य, मोस्ट मॉडर्न बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। तथा शाक्य क्या है? देखिए शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। क्या थे? शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित। किससे संबंधित थे? गण से, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से दूसरा बना कि बुद्ध की कौन से धर्म से थे? क्षत्रिय थे, और शाक्य नामक एक छोटे से गण, गण मतलब परिवार कह सकते हैं, है ना। आगे जो है इससे संबंधित थे युवावस्था। कैसी अवस्था? युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेकों वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी क्या कहते हैं, विचरण करते रहे, घूमते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः
अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। कहा जाता है जो है पांच ऋषि थे जिनके साथ जो है गए थे ज्ञान पर, लेकिन उस बाद में उन्होंने साथ छोड़ दिया तो फिर अकेले ही उन्होंने तपस्या की थी। बाकी उसको ज़्यादा माइंडसेट में हम नहीं ले रहे हैं कि ऋषि को ज़्यादा फॉलो करें, ठीक, अगर कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है इसमें, सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी देखेंगे। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बन सकता है कि कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, बुद्ध जी कहाँ बोध गया, बोध गया पड़ता कहाँ है बिहार में, बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके, एक पीपल के वृक्ष के नीचे नीचे कई दिनों तक तपस्या की, क्या की तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ। तो पूछा जा सकता है कि ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ बुद्ध जी को, तो बिहार में हुआ। कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, बिहार में हुआ। दूसरी बात पूछी जा सकती है कहाँ हुआ, ये बिहार में हुआ। और दूसरी बात पूछी जा रही, दूसरी बात क्या पूछी जा रही कि कहाँ हुआ, बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ, पीपल वृक्ष के नीचे बिहार में हुआ था ज्ञान प्राप्त। आगे बात करें यहाँ से दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट मिल चुके हैं। आगे बात करें, वे बुद्ध के रूप में जाने गए, तो उनका आगे क्या नाम पड़ा, बुद्ध पड़ा। यहाँ से वे वाराणसी, कहाँ, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कहाँ गए, तो पूछा जा सकता है सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। यहाँ पर इन्होंने क्या पहली बार उपदेश दिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, कहाँ दिया पहली बार उपदेश, सारनाथ में दिया। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में, तो पहली बार इन्होंने उपदेश, जब इनको ज्ञान की प्राप्त हो गई, जब नॉलेज हो गया, तो लोगों को उपदेश देने लगे, अपनी बातें बताने लगे, सिखाने लगे, तो सबसे पहली और पहली पहली बार क्या किया, सबसे पहली बार, तो पहली बार उपदेश कहाँ थे, वाराणसी में, सारनाथ में और कुशीनगर कुशीनारा में। मृत्यु के पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो दूसरी बात यहाँ से पूछी जा सकती, मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनारा में, कहाँ हुई, कुशीनारा में, ठीक है, कहा तो जाता है। बाकी एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन आगे बताया जाता है कि चंदनामर्क सुनार के यहाँ जो है सूकर मद्दव पदार्थ खाने से कोई सी जो है हुई थी इनकी मृत्यु, तो ठीक। आगे बात करें, आगे डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं, लिखा बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने क्या था, जीवन क्या है, कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, क्या लिखा, तो जो हमारे जीवन में दुख क्यों है, बुद्ध जी ने बताया कि इच्छा और लालसाओं, अगर इंसान की इच्छा है, इच्छा अगर जिस दिन इंसान की खत्म हो गई, उस दिन इसके जीवन में कष्ट खत्म हो जाए। जो चीज़ सही है भाई, किसी को गाड़ी की इच्छा, किसी के बंगले की, किसी को धन की, किसी को दौलत की, तो ये सब इच्छाएँ हैं, इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, दुख है। अगर ये इच्छाएँ खत्म हो जाएंगी तो दुख खत्म हो जाए। हमको यहाँ पर क्या इच्छा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो यही दुख, मेरे दुख का कारण है कि हम आपसे उपेक्षा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे। बाकी ऐसे आप लोग करते हैं, थैंक यू सो मच आपके इतना सपोर्ट और प्यार के लिए। तो आगे बात करें, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, आगे लिखा है के कारण होता, इसी के कारण क्या होता है, हमें कष्ट होता है, इच्छा लालसा ही हमें दुखों का कारण है, ऐसा बुद्ध जी ने बताया था। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक तथा अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसी लिप्सा, क्या कहा, इसे लिप्सा, तृष्णा, क्या कहा, तृष्णा मतलब तृष्णा कहा है, इसे क्या कहा, लिप्सा और तृष्णा कहा किसने, बुद्ध जी ने। आगे बात करें तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर ही ऐसी लालसा मतलब इच्छा से मुक्ति पा जाती है। आत्मसंयम मतलब जो है अपने को संतुलित रखकर, अपनी इच्छाओं पर काबू कर ही हमारे दुखें खत्म हो सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन पर भी आदर करने की शिक्षा दी। वो कहते थे कि जीवों पर भी दया करो। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रवाहित करते थे, यानी कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकट भाषा में दी। मोस्ट बड़ा, बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्रकट भाषा में दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बात क्या क्लियर हुई कि बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्रकट भाषा में दी। पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश के लिए कौन सी भाषा चुनी शिक्षा देने के लिए, तो प्रकट भाषा को चुना। आगे बात करें इसके समान लोग भी उनके संदेश को समझ सके, इसलिए प्रकट भाषा को चुना। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, हमने पढ़ा वेदों की रचना भी किस प्रकट भाषा में हुई थी ना, संस्कृत में हुई थी। कमेंट करके बताइए, हमने पिछले जो चैप्टर में पढ़ा है कि वेदों की रचना चार वेद थे ना,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो को डिस्कस नहीं किया, देखा नहीं, उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए क्या दिखाया गया, जरा फिगर देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउन फिगर। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या है, देखिए इधर लिखा हुआ सारनाथ स्तूप है। क्या है? सारनाथ स्तूप। क्या लिखा है? सारनाथ का स्तूप है, लिखा है सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। तो पूछा सकता है ये स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ में। दूसरा पूछा जाए सारनाथ है कहाँ, तो वाराणसी में। अभी हमने पढ़ा ना वाराणसी के सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था उन्होंने, तो वाराणसी में होगा। आप इसे जाकर देख सकते हैं। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में पढ़ोगे, यानी लास्ट चैप्टर में हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें हमको क्या मिली इस इतने से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमको यहाँ से मिलती गई वो देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमको मिली, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमें क्या मिली कि बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, ठीक है, और इन्हें गौतम भी कहा जाता था, ठीक, ये भी क्लियर। आगे इनका जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ, ये भी क्लियर। आगे वहाँ जनपदों में किस के कुछ राजा थे, उसी के समय इनका कार्यकाल होता है, ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला। आगे दूसरी बात यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या मिली कि ये क्षत्रिय वंश किस कुल से क्षत्रिय थे, और इनका कौन था, शाक्य, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, ठीक। और युवावस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ दिया। ये कहाँ ज्ञान इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ, तो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ बोधगया बिहार। कहाँ? बोधगया बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे। आगे डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए, आगे बात करें तो कहाँ, बोधगया बिहार, कहाँ, बिहार में, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे, नीचे ज्ञान की प्राप्ति कुछ दिनों के बाद तपस्या करने के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करते हो चाहे। दूसरी बात, कहाँ, वाराणसी के निकट, कहाँ, वाराणसी के निकट, वाराणसी के निकट, वाराणसी के निकट इन्हें, वाराणसी के निकट, वाराणसी के निकट इन्हें जो है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्त हुई। वाराणसी के निकट बात की जाए, वाराणसी के निकट, ठीक है, वाराणसी के निकट बताया जा रहा है सारनाथ में, सारनाथ में इन्हें पहली बार उपदेश दिया। कहाँ दिया, तो वाराणसी में, सारनाथ में इन्हें पहली बार उपदेश दिया, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? कुशीनगर में मृत्यु हो गई, और मृत्यु से पहले पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा किया करते थे, ठीक है, और लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। शिक्षा देने में अपना जीवन क्या करते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिले। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। बुद्ध की, बुद्ध क्या कहते थे, बुद्ध कहते थे कि जो हमारा जीवन है कष्टों का कारण क्या, हमारी इच्छाएं। क्या बताते थे बुद्ध जी, कि हमारी इच्छाएं और लालसाएं हमें दुखों का कारण है, ठीक है, जो पूरी नहीं हो सकती, इसी कारण हमें दुख होता है, ये बताए हैं। उन्होंने कहा लिप्सा और तृष्णा, मतलब इच्छाएं ही ये दुखों का कारण है, अगर इनको खत्म करना है तो हमको आत्मसंयम बनाना चाहिए और लालसा मुक्त हो जाएंगे। अगर हम आत्मसंयम बनाएंगे तो हमारे दुख नहीं होंगे, हमें दुख नहीं होगा। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कर्म के विषय में पुनर्जन्म में विश्वास रखते, तो कहते थे कि कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में भी जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये चीज़ें वो मानते थे, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं डिस्कस। और हाँ, उन्होंने कौन सी भाषा को चुना था, उन्होंने प्रकृत भाषा को चुना। किस भाषा को? प्रकृत भाषा को उन्होंने चुना। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग बुद्ध का हमने स्पूत देख लिया, ये देखिए जो ये बुद्ध का स्पूत आपको जो फिगर में दिखाई दे रहा है, ये बुद्ध जी का ये स्पूत है, ठीक है, ये फिगर में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्पूत है बुद्ध जी का। आगे बात करें, बुद्ध ने कहा, बुद्ध जी ने क्या कहा, चलिए ये डिस्कस करते हैं। बुद्ध जी ने कहा कि लोगों किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उद्देश्य है। वो कहते हैं जो मैं बात कहता हूँ इस बात को इसलिए नहीं माने कि मेरा आर्डर है, वो फिर क्या कहते हैं, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे, कह रहे हैं कि मेरी बातों को सोचिए, अगर सही लगे तो आप फॉलो करिए, अन्यथा फॉलो मत करिए। बुद्ध जी कहते थे आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। हाँ, ये देखिए बुद्ध जी ना एक उद्देश्य, एक जो स्टोरी टाइप दी गई, उस स्टोरी को आपने बहुत बार कई बार पहले पढ़ा होगा, आज फिर से वो स्टोरी आपके सामने आने वाली है। ये कहानी कई बार बच्चों ने सुनी होगी अपने घर में और पढ़ी भी होगी। लिखा है बुद्ध जी की कहानी में क्या लिखा है, लिखा है किसा गोमती की कहानी। किसकी कहानी? किसा गोमती। अभी इस नाम से नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही आप कहानी सुनेंगे कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे क्या आपने ये कहानी पहले सुनी है। लिखा है यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गोमती गोतमी किसा
किसागोतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थनाएं करने लगे कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। क्या हुआ, किसागोतमी नाम की एक महिला थी, उसका पुत्र मर गया, तो अपने बच्चे को लिए लिए सड़क पर चारों तरफ घूमती और सबसे कहती कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। तो एक व्यक्ति क्या किया, उसका दुख जिससे देखा नहीं गया तो उसे क्या कहा, चलो आपको बुद्ध जी के पास ले चलते हैं, वही इसका कुछ उपाय बताएंगे। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसागोतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। हाँ देखिए, समझाने एक तरीका, अगर ऐसे बुद्ध जी बताते तो नहीं समझ में आता, इसलिए उन्होंने एक ट्रिक से समझा दिया। क्या कहा, किसागोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार उस महिला को भी समझ में आ गया कि मृत्यु एक निश्चित बात है, ये एक अटल सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, बुद्ध दुखी माँ को यही बताने चाह रहे थे कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है, जो कि एक अटल सत्य है। ये घटना सभी के साथ घटित होती है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। अब बात करेंगे, हमने बुद्ध जी के विषय में कई फैक्ट जाने, अब बात करेंगे उपनिषद। तो हमने यहाँ पर बात कर डिस्कस करें तो बुद्ध जी के विषय में बहुत सारे फैक्ट हमने बुद्ध जी के विषय में देखे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्ट क्या, बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम, सिद्धार्थ था। दूसरा फैक्ट क्या मिला हमको यहाँ से, दूसरा फैक्ट यहाँ मिला कि जो है बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म लगभग आज से 2500 यानी कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तीसरा फैक्ट अगर बुद्ध जी से बात करें हमें और कौन सा मिला इम्पॉर्टेंट, बुद्ध जी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कौन सा मिला, हाँ बुद्ध जी क्या है, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया बुद्ध जी ने। और बुद्ध जी से इम्पॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट इस तरह हमको मिलते गए। और बुद्ध जी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या मिले, सारनाथ में उपदेश दिया बुद्ध जी ने। और बुद्ध जी से हमें क्या जानकारी, बुद्ध जी से हमें ये जानकारी मिली कि वो अपनी प्रचार की भाषा को जो है उपदेश देने की भाषा को प्रकट चुना, ताकि सभी को उनकी भाषा क्या समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए बुद्ध जी ने अपने समझाने का और उपदेश देने की भाषा को प्रकट को चुना। आइए डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, अब देखेंगे उपनिषद, क्या देखेंगे, उपनिषद किसे कहते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया उपनिषद। लिखा है उपनिषद लिखा है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग ये सर्च कर रहे थे, कुछ ऋषि मुनि वगैरह, कि मृत्यु के बाद लोगों क्या होता है, कैसे जो आत्मा निकलती है, मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। और कुछ लोग ये जान रहे थे कि राजा जो है ऋग्वेद वगैरह में यज्ञ क्यों कराते थे, यज्ञों का क्या महत्व है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई, क्या लिखा है, ऐसा है जो अस्थाई है, जो अस्थाई है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आत्मा तथा ब्रह्म, क्या क्या, आत्मा तथा ब्रह्म। आत्मा क्या है, जो चीज मृत्यु के बाद भी जीवित है, तो उसे उन्होंने क्या कहा, आत्मा कहा। और अगला एक नाम और दिया ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। तो मोस्ट चीज उन चिंतकों ने क्या खोजा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है चिंतकों ने खोजा जीवन और मृत्यु के बाद, तो मृत्यु के बाद उन्हें पता चला आत्मा क्या है, आत्मा अमर है कही जाती, आत्माओं के विषय में उन्होंने पता लगाया और पता लगाया। ब्रह्म अथवा सार्वभौम तीन नाम दिया, क्या दिया, सार्वभौम तीन नाम, सार्वभौम आत्मा एक नाम दिया, सार्वभौम आत्मा एक आत्मा और एक नाम दिया ब्रह्म नाम दिया। वे मानते थे कि अन्यतः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, क्या कहते थे, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही। ऐसा कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद
उपनिषद क्या करेगा, लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, जैसे वेद हैं उसी तरह उपनिषद हैं। अभी उपनिषद क्या है क्लियर हो जाएगा, तो उपनिषदों में ये बातें लिखी गई, क्या लिखी गई कि आत्मा ब्रह्म दोनों एक है, सार्वभौमिक आत्मा, यानी आत्मा को कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई भेष नहीं है, कोई भूषा नहीं, बस जिस शरीर में धारण कर लेती है उसी का रूप ले लेती है और मृत्यु के पश्चात वह निकल कर फिर से विलीन हो जाती है ब्रह्म में। आगे लिखा है उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्से थे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए इसे। बस अपनी जो आपको मैंने होता है नोट्स कैसे बनाएं, अगर आपको डिस्कस करना है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो यहाँ पर मैं जितनी चीज़ें ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ हमेशा याद रखें, अंडरलाइन जो करता हूँ वो तो पढ़ने के लिए, वो केवल ऐसे स्टडी करने, जिन चीज़ों को ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है वो चीज़ आप समझ ली कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट्स बना के लिखना है। लिखा है उपनिषद, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो उपनिषद क्या है ये भी समझाया जा रहा है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप, उपनिषद का क्या अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप, कहाँ गुरु के समीप बैठना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनिषद का क्या अर्थ है गुरु के समीप बैठना, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषद में क्या डिस्कस किया गया है कि जैसे हमने बताया कि ऋग्वेदों में क्या डिस्कस किया गया है, नदी और जो है उनका गुरु का जो है विश्वामित्र का जो है संवाद वाद व्याद किया गया है ऋग्वेद वगैरह में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि ऋग्वेद वगैरह में न सभी किया गया है, ठीक है ऋग्वेद में, तो उसी तरह हमने यह भी पढ़ा कि उपनिषद में क्या गुरु और गुरु के समीप बैठना, उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है गुरु के समीप बैठना, और उपनिषद में क्या है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत है, क्या है बीच की बातचीत व संवाद लिखा गया है। संकलन, संकलन मतलब क्या होता है, बातचीत का संकलन मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करके सीक्वेंस बाई सीक्वेंस स्टेप बाई स्टेप लिख देना, तो उसे संकलन कह सकते हैं, ठीक है किया क्या है प्राय यही शब्द, जैसे आप शब्द को पकड़ना यही सीखना है बस, यहाँ पर ऐसे ही शब्द एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आप उसका अर्थ नहीं समझ पाते, फिर आपको आंसर कैसे क्लिक करेंगे, अब जो टू क्वेश्चन टिक करेंगे, इसलिए बस हम एनसीईआरटी इसीलिए कवर करते हैं कि शब्दों की हमें पकड़ में, जब संकलन लिखा आ जाता है, पूछा सकता है कि उपनिषद में उपनिषद का संकलन, उपनिषद में किसकी बातों का संकलन किया गया है, तो अध्यापक और विद्यार्थियों की, अब जब संकलन शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर कैसे क्लियर करेंगे, तो उपनिषद में क्या है उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का संकलन, यानी बातों का जो है डेटा है ये कह सकते हैं, संकलन मतलब डाटा है कह सकते हैं, ये विचारक सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, इनको जो है कन्वर्सेशन उनका उसमें नोट किया गया है, ठीक आगे चलें, आगे डिस्कस करते हैं बुद्ध और भिखारी। अब देखिए यहाँ एक और नई बात सामने आ रही, बुद्ध और क्या लिखा है भिखारी, चलिए पढ़ते हैं एक नई बात, लिखा है बुद्ध और बुद्धिमान, सॉरी बुद्धिमान, बुद्धिमान भिखारी, भिखारी लिखा है, या वार्तालाप छंदोद्य, क्या लिखा है छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित, वहां से एक कहानी ली गई है और उसे दिखाया गया है, तो सबसे पहले हमारी कहानी की टैगलाइन क्या है, बुद्धिमान भिखारी माइंडेड जो है बिगर, बिगर बिगर मतलब भिखारी होता है, लिखा है सौनक, सौनक व अभिप्रात्रीण, क्या लिखा है सौनक व अभिप्रात्रीण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, यानी आत्मा की पूजा करते थे, एक बार ज्यों ही लिखा उपासना करते थे एक बार ज्यों ही भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। दो ऋषि थे, दोनों ऋषि बहुत बड़े पुजारी थे कह सकते, एक का नाम था सौनक, एक का नाम था अभिप्रात्रीण, क्या नाम था, दो ऋषि थे, एक का नाम था सौनक, एक ऋषि का क्या नाम था सौनक, ऋषि का क्या नाम था सौनक, एक ऋषि का नाम था सौनक, ऋषि का नाम था और एक ऋषि का नाम था अभिप्रात्रीण, क्या नाम था अभिप्रात्रीण, दोनों ऋषि बहुत ही बड़े पुजारी थे, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक आत्मा मतलब ना उसकी उस ये उन चीज़ों की पूजा करते थे जिनका ना ही कोई रूप है, ना ही आकार, ना ही आकृत, ना ही रंग, ठीक है, यानी कि इनके गॉड की कोई फोटो नहीं, कोई इमेज नहीं है ना, कोई जो कुछ नहीं, ऐसे ही बस उपासना करना, यानी कि मगन होना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, लेकिन जो है ये भोजन करने एक बार बैठे दोनों ऋषि सौनक और अभिप्रात्रीण, तो क्या हुआ एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा, तो लिखा सौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, भिखारी ने पूछा विद्वान जन लिखा, यानी विद्वान जन आप किसकी उपासना करते हैं, उसने पूछा विद्वान जन मतलब विद्वानों, उसने क्या कहा विद्वान जन मतलब क्या होता है विद्वानों आप किसकी उपासना करते हो, उपासना का अर्थ होता है पूंजा, क्या करते हो उपासना का मतलब क्या होता है पूंजा, आप किसकी पूंजा करते हो, यानी चिंतन करते हो, किसका चिंतन करते हो, अभी
प्रातृण ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा का। क्या? सार्वभौम आत्मा का, यानी आत्मा का चिंतन करते हैं, ठीक है, जिसका कोई रंग रूप नहीं होता है वो। इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो उसने कहा इसका मतलब तुम जानते हो कि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, वो सबके अंदर है, सब में विद्यमान है। तो उन्होंने, ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम जानते हैं कि इसका कोई रंग रूप नहीं है, ये आत्मा सभी के अंदर विद्यमान रहती है, सभी के अंदर है। भिखारी ने फिर से पूछा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, इसका मतलब मेरे अंदर भी आत्मा है। तो उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ, मैं भी विश्व का भाग हूँ, जिसका मतलब वो आत्मा मेरे भी अंदर होंगी। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, किसने? तो उन्हें ऋषि ने क्या कहा, हाँ तुम सत्य बोलते हो और तुम सही कहते हो, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सुनकर सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इस बात से हमें सिर्फ ये चीज सीखनी है कि उपनिषद में ऐसे ही जो है प्रसंग लिखे जाते थे जो कि एक संदेशवाहक जो है होते थे, ठीक है। और उपनिषद में क्या लिखा गया है कि आत्मा जो है अमर है, अजर है ना, उसका कोई रंग रूप नहीं है, ठीक है। और वो लोग जिस भगवान को मानते थे, आत्मा सार्वभौम आत्मा को मानते थे। भिखारी लिखा, क्वेश्चन यहाँ लिखा कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? उन्होंने आत्मा का उपदेश देकर और प्रसंग देकर ऋषियों को जो है मना लिया। आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिखा है इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण क्या होते थे? पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यानी कि जो ये वाद संवाद भाग लेते थे कौन होते थे? पुरुष ब्राह्मण और राजा भी होते, दो तरह के लोग। लेकिन कभी कभी गार्गी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गार्गी जैसी विचारकों का भी उल्लेख मिलता है उपनिषद में। गार्गी जैसी विचारकों का भी, यानी गार्गी का भी उल्लेख किया गया है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी कौन? गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। आगे बात करें, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम, क्या अपवाद मतलब जो है स्टैंजा कह सकते हैं, सत्यकाम जाबाल का इसी तरह एक अपवाद है। अपवाद मतलब यह है कि जो है कि हाँ ये चीज़ सही है। अपवाद मतलब जैसे किसी चीज़ का अपवाद मतलब कि उस चीज़ को कि भाई अपवाद क्या दिया कि इसमें बात क्या बताई गई कि निर्धन व्यक्ति नहीं लेते। लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि एक बार निर्धन ने भाग लिया था, जिस निर्धन का क्या नाम था, सत्यकाम और जाबाल नाम का एक निर्धन था, उसने जो वाद विवाद में भाग लिया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा 100% सत्य है कि उसमें जो निर्धन होगा भाग 100% नहीं लेगा, नहीं ले सकता, ऐसा कोई जो है प्रावधान नहीं है, नहीं लेता था, ये एक बात है नॉर्मली कह सकते हैं। लेकिन एक बार एक निर्धन ने ले जिसका नाम सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वो गरीब था लेकिन फिर भी उसे जो है स्वीकार कर लिया गया। आगे लिखा, वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए और वो विचारक बन गए। लेकिन पहले गरीब लोगों को जो इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी। आगे लिखा, उपनिषद में कई विचारकों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारकों शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उनके बारे में तुम कक्षा 7 में, क्लास 7th में हम लोग शंकराचार्य जी के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात मिली कि वाद विवादों में गार्गी जैसी महिलाएं भाग लेती थी। और क्या मिली, और पुरुष लेते थे भाग और राजा भी लेते थे। और उन्होंने आत्मा अजर और अमर के विषय में बताया, आत्मा का कोई रूप नहीं होता, इस बात को भी इस स्टैंजा में बताया गया। और बताया गया कि उपनिषद उत्तर वैदिक काल के होते थे, ये बात बताई गई हमें ना। और लिखा है उपनिषद में क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की वार्तालाप का जो है लिखा गया है, संकलन किया गया है, बारे में लिखा गया, ठीक है। और क्या कहता था, उपनिषद सार्वभौमिक आत्मा के विषय में उपनिषद हमें बताता कि आत्मा का कोई रंग और रूप नहीं है। चलिए हो गया उपनिषद, आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा हर एक पढ़ने का था स्टैंड, उसमें शार्ट विजन भी करते रहेंगे ताकि आपके माइंड सेट में क्लियर होता जाए। आगे बात करें, व्याकरण विद पाणिनी, चलिए इनके विषय में कुछ डिस्कस करते हैं। आइए इनके विषय में कुछ जानते हैं। लिखा है, व्याकरण विद पाणिनी इस युग के कुछ अन्य विचार विद्वान भी खोज कर
रहे थे। इस युद्ध में क्या कर रहे थे, इस युद्ध में कुछ विद्वान भी थे, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। किस चीज़ की खोज कर रहे थे, उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों की एक पाणिनी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों का एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना, ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों में काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने देखी है ना, इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों, कैसे लघु सूत्र लगभग तीन हज़ार के रूप में लिखे। तो इस तरह उस समय ऐसा नहीं है कि यही सब चल रहा था, उस समय जो सूत्रों की खोज भी हो रही थी और गणित का जो है जानकारी भी, मतलब जो है लोगों को गणना भी लोग किया करते थे। तो इसमें पूछा था व्याकरण विद पढ़ने के भी समय यहाँ से एक फैक्ट ये मिल सकता है कि इन्होंने ये बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते इन्होंने खोज की और लघु सूत्र बनाए लगभग 30,000 के रूप में, और संस्कृत भाषा जिन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम से, ये कुछ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको व्याकरण पढ़ने समझ में नहीं भी आता है तो इसके लिए कोई बहुत मोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं। अगला है बुद्ध धर्म, क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ से सीखना है वो है जैन धर्म। कौन सा धर्म, बुद्ध धर्म के बाद अगला टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है जिसे हमें लर्न करना है वो है जैन धर्म। चलिए जैन धर्म के विषय में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो लिखा है जैन धर्म कैसा धर्म, जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर। तो कौन से वर्धमान महावीर, कौन थे विचारक, वर्धमान महावीर यहाँ से डिस्कस है, इंपॉर्टेंट है चीज़ डिवीजन के लिए महावीर। तो पूछा जा सकता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर, स्वामी महावीर थे, अपने विचारकों का प्रसार किया और वह वज्जी, कहाँ किस स्थान पर, वज्जी संघ मतलब संघ, हमने पिछली क्लास में संघ और जन इन सब चीज़ के विषय में डिस्कस कर लिया है। संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, क्या थे, क्षत्रिय, कैसे थे, क्षत्रिय। तो अभी हमने पढ़ा जो है उनके विषय में गौतम बुद्ध के विषय में, तो गौतम बुद्ध कौन थे, अगर आपको जो है क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन नीचे बताइए कि गौतम बुद्ध क्या थे, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल क्या थे, कुल होते थे, मतलब सबके अलग अलग जातियाँ होती थी, तो कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, कैसे थे, क्षत्रिय राजकुमार थे, कौन, स्वामी महावीर जैन, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, इसलिए वर्धमान लिखा गया है, ये बचपन का नाम था, कैसा नाम था, बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बात करें इस संघ के विषय में, तुम अध्याय 6 में पढ़ा है, आगे लिखा 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, किसने, महावीर जी ने, और जंगल में रहने लगे। बाद में 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम एकाकी जीवन व्यतीत किया, मतलब अकेले रहकर, एकाकी जीवन मतलब 12 वर्ष तक तपस्या की और अकेले रहकर उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनको भी क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता, तो वो जिस चीज़ की खोज में लेते वो चीज़ उन्हें मिल जाती। लोग खोजते थे कि जो है ये सब मोह माया है ना, और चिंतन मनन किया करते थे जंगलों में जाकर, ठीक है। और जब देखो ज्ञान की प्राप्ति का मतलब, जब उन्हें फिर जिस व्यक्ति की मोह माया खत्म हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, इस चीज़ से जब को सब, जिस व्यक्ति को प्रेम खत्म हो जाए, इन सबसे जो परे हो जाए, जिसे इससे कोई मतलब न रहे, अपने माता से, पिता से, भाई से, दोस्तों जिसे कोई मतलब नहीं, उसे कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिर्फ उसे ईश्वर से ही मतलब रहे, ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर की पूजा करे और अपने सगे संबंधियों को पूरी तरह से भूल जाए, घर से अलग रहने लगे, दूर चले लगे, सन्यासी आश्रम धारण कर ले, तो कह सकते हैं कि ऐसे इस प्रकार इस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जिनकी शिक्षा सरल थी, जो जैन जी की शिक्षा क्या थी, इनकी शिक्षा क्या थी, सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते थे उन्होंने। और क्या कहा, उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहते हैं अहिंसा मतलब जीवों की हत्या मत करना, जीवों को नहीं मारना चाहिए, ऐसा जैन जी का मानना था, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकट में दी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से पूछा जा सकता महावीर से शिक्षा कैसी दी, प्रकट में दी, तो पूछा जब बुद्ध ने शिक्षा कैसी दी, कमेंट सेक्शन में कैसी दी, बुद्ध ने भी प्रकट में दी। पूछा जा सकता ऋग्वेद किस भाषा में लिखे, तो प्रकट में लिखे। अब इससे हम सीक्वेंस मिला के जोड़ते हुए चल सकते हैं, ठीक है। वेद वगैरह किस में है, जो है संस्कृत भाषा में कुछ लिखेगा जो हमारी संस्कृत से अलग है, तो हम यहाँ से कड़ी मिलाकर पढ़ते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। आगे बात करें, यही कारण था कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों
उनके तथा उनके अनुयायी यानी कि साधारण लोग भी उनके जो उनको ज्वाइन कर सकते थे, साधारण लोग भी क्या कर सकते थे, उनको ज्वाइन कर सकते थे, बुद्ध जी को ज्वाइन कर सकते थे। कौन? सिंपल लोग भी, साधारण लोग भी बुद्ध जी को क्या कर सकते थे, ज्वाइन कर सकते थे। अनुयायी, अनुयायी मतलब क्या होता है, लिखा है यहाँ, लिखा अनुयायी, क्या लिखा है, अनुयायी, अनुयायी मतलब वो लोग होता था जो बुद्ध जी को मानते थे, जो उनकी उनको ज्वाइन कर चुके होते, यानी उनसे शिक्षा ले लेते थे, है ना, उनसे जो लोग शिक्षा लेते उनके अनुयायी हो जाते थे, मतलब उपासक कह सकते, उनको मानने वाले अनुयायी की शिक्षाओं को समझ सके, देश में अलग अलग हिस्सों में प्रकट, कौन सी भाषा में, प्रकट भाषा में अलग अलग रूप में प्रचलित थे, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनका अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली, जैसे मगध में बोली जाने वाली, मगध में बोली जाने वाली प्रकट भाषा प्रकट प्रकट मगधी कहलाती है, जो मगध में बोली जाती है क्या कहते हैं, प्रकट मगधी कहलाती है। आगे बात करें, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सदा जीवन बिताना होता था। जैन जी कहते थे घर भर त्याग दीजिए आप, है ना, और जो है भिक्षा मांग कर शहर से और उसी को भोजन बनाइए और अपना जीवन बिताइए। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और उन्होंने क्या उद्देश्य था कि ईमानदारी, कभी चोरी मत करिए तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई, चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी गई, तो उनका मानना था कि चोरी नहीं करनी चाहिए और ईमानदार रहना होगा। जैन जी का मानना था उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, यानी विवाह नहीं करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना, पुरुषों को सिर्फ वस्त्र को छोड़कर, क्या, अच्छा, आगे बात करें, आगे पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। और क्या बताया गया उन्होंने, और उन्होंने बताया, लिखा है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, कई अपने घरों पर ही रहकर और भिक्षुक, लिखा है भिक्षु और भिक्षुणियों, देखो जो आदमी थे उसे कहते थे भिक्षुक, क्या कहते हैं, भिक्षु कहते हैं, लेकिन यहाँ सही शब्द है भिक्षुक, क्या कहते हैं, भिक्षुक और भिक्षुणियाँ, या फिर कह सकते हैं भिक्खु और भिक्षुणियाँ, ठीक है, कहते थे जो पुरुष होते थे तो उन्हें कहते थे भिक्खु, और जो लेडीज भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करते उसे कहते थे भिक्खुड़ी, क्या कहते हैं, भिक्खुड़ी, भिक्खुड़ मतलब पुरुष जो उनके ग्रुप को ज्वाइन करे, भिक्खुड़ जो लेडीज उनके ग्रुप में उसे कहते भिक्खुड़ी कहते थे। ये लोग भी इनको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जो अपने घर में रहकर अपना जीवन भी जिए और इनको ग्रुप भी ज्वाइन कर, उनके लिए भी नियम थे, लेकिन वही नियम थोड़े क्या थे, सरल थे, बने लोगों, लिखा है कई अपने घरों पर ही रहने, क्या करें, कई अपने घरों पर ही रहने और भिक्षु और भिक्खुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे, ठीक है। मुख्यतः व्यापारी जैन धर्म का समर्थन किया, व्यापारियों ने क्या किया, जैन धर्म का समर्थन किया, जैन धर्म को मानने वाले ज़्यादा थे। उपासक किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, क्या करना था, कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और जैन जी बताते थे कि जीवों पर दया करो, उनको भी जीने का अधिकार है, किसी की हत्या तुम नहीं कर सकते, तो अगर तुम उनके रूल नहीं फॉलोगे तो उनके ग्रुप में कैसे रह पाओगे, तो उनकी चीज़ों को नहीं मान पाते थे, किसान कम मान पाते थे। बाद में सदियों से जैन धर्म उत्तर भारत, कहाँ जैन धर्म, उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राज्य में जैन धर्म का प्रसार प्रचार था, तो पूछा जा सकता है गुजरात, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, तो ऐसे ऐसे, तो ऑप्शन क्या सही होगा, गुजरात से होगा। फिर पूछा जा सकता है किन में नहीं था, तो पूछा जा सकता है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, और लिखा जा सकता है जो है आंध्र प्रदेश, तो किस में नहीं था, कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में नहीं था, ठीक है। आगे बात करें, में फैला आ गया महावीर तथा उनके अनुयायी, अनुयायी मतलब कौन, जो उनको उनकी शिक्षा ग्रहण करते थे, उनसे जुड़े होते थे, शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही, तो इनको लोग बस एक दूसरे को शिक्षा दे, फिर उसका दूसरा दूसरे को शिक्षा दे, जैसे फिर गुरु का मंत्र हो जाए, फिर उसका शिष्य शिक्षा देने लगे, फिर उस गुरु की मृत्यु, उनका शिष्य, यानी कई लोग जो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को शिक्षा देते थे, पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ शिक्षा देते थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएँ लगभग 1500 पूर्व गुजराती के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, लेकिन अब इस समय जो दी जाती है कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ लिखी, गुजरात के वल्लभी नामक, कहाँ, वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, लिख दी गई हैं, जो आपको अभी देखेंगे प्रश्न 7 पे पिछले दिखाई गई। आगे अब संघ के विषय में बात करें, संघ क्या है, महावीर, अब नए टॉपिक आगे क्या लेकर आ गए हम लोग, नया टॉपिक है संघ, क्या है, संघ, तो संघ के विषय में बात कर लेते हैं, क्लियर, ओके चलते हैं।
जो चीज़ों को मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ उसे अब इंपॉर्टेंट समझकर वीडियो को बाद में पॉज कर स्क्रीन शॉट ले लेकर उसके अब नोट्स एक शॉर्ट नोट्स वन लाइनर नोट्स बना ले। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले बस इस नोट्स को अभी एक बार पूरी रिवाइज करके चले गए तो मैं कह सकता हूँ 70-80% क्वेश्चन यहाँ से जरूर क्लिक होंगे। ठीक है, नहीं भी क्लिक होंगे अगर मान लिया हमारे मान लेते हैं 80% क्वेश्चन क्लिक हो तो 20% क्वेश्चन नहीं भी क्लिक होंगे, वो आपको मदद करेंगे लैंग्वेज को समझने में क्वेश्चन में, ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो जाएगी। आगे बात करें महावीर तथा महावीर यानी महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक और बुद्ध जी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक, दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी दोनों लोगों का मानना था सही है। आगे ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक क्या संघ नामक संगठन बनाया था जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके, यानी संघ मतलब जो जैसे कह सकते कुटिया समाज से दूर, तो उस शब्द का क्या नाम है संघ में रहो, कहाँ रहो घर का त्याग कर, तो वहाँ जब वो सभी लोग आएंगे जो लोग घर छोड़ छोड़ कर आए हैं, क्या करें सभी लोग घर छोड़ छोड़ कर आकर एक स्थान पर रहेंगे उसे ही कहेंगे संघ, यानी कि जैसे इनका एक ग्रुप था, क्या कह सकते इनके एक ग्रुप था कह सकते, उसी ग्रुप में जो कोई ज्वाइन हो जाए लेकिन वो घर को छोड़ दे तो कहेंगे संघ में ज्वाइन हो गया। ठीक है, ग्रुप संघ का मतलब हम इंग्लिश में उसे ग्रुप कह सकते, क्या कह सकते ग्रुप था इनका एक संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध जो आदमी हो के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक मोस्ट इंपॉर्टेंट विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में जो संघ में लोग रहेंगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, जमीन पर लेटेंगे कि बिस्तर पर लेटेंगे, कब उठेंगे कब नहीं उठेंगे, उनके क्या क्या दिनचर्या रहती थी, जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनके लिए क्या नियम थे, वो सारे नियम किस में लिखे गए विनय पिटक नामक जो है इसमें किताब में लिख दिए गए। आगे लिखा है विनय पिटक से हमें पता लगता है कि संघ में पुरुषों तथा स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग कमरे रहे होंगे, अलग अलग व्यवस्था रही होती। विनय पिटक में रूल में लिखा गया, हम लोगों को क्या है रूल में लिखा गया कि सभी लोग अलग अलग रहेंगे, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से, यानी अपने जैसे हमने किसी से कर्ज लिया तो जिससे हमने कर्ज लिया उससे पहले पूछना पड़ेगा, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, क्या पड़ेगी अनुमति लेनी होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म में अगर किसी को प्रवेश लेना है और वह एक दास है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो दास को अपने स्वामी से आज्ञा लेती है, अगर उसका स्वामी दे आज्ञा कि हाँ तुम ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अपने जाइए घर को छोड़ दीजिए वहाँ रहिए जाके मगन लाइए चिंतन कीजिए तो फिर ज्ञान आप जो है उपदेश सुनिए उनके, तो फिर वो जो है ज्वाइन कर सकता था बिना, लेकिन उसके नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे बात करें लिखा है एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती, लेकिन अगर कोई स्त्री है वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती तो उसे क्या करना अपने हस्बैंड से पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वो शहर तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते, ऐसा नहीं कि हर समय भिक्षा मांगते, एक निश्चित टाइम होता था। ठीक है, यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक क्या लिखा भिक्खु तथा भिक्खुड़ी यानी कि साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द साधु भिखारी को, साधु जो भिखारी होते थे भिखारी में जो आदमी होता था भिक्खु और जो लेडीज भिखारी होते थे भिक्खुड़ी कहते थे, लेकिन एक प्रकृत शब्द है, किस भाषा का शब्द है भिक्खु और भिक्खुड़ी प्रकृत शब्द का। ठीक है, जैसे भिक्षु और भिक्षुकी भी कहते हैं। कहा गया वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, गाँव में जाकर उपदेश देते थे और जो है उनसे जो है अनाज वगैरह मांग कर लाते थे जिससे अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे बात करें व्यतीत करते थे, आगे लिखा है थे व्यतीत करते थे, आगे लिखा व्यतीत करते थे व्यतीत करते थे, आगे लिखा किसी तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश वाले लेने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय व्यापारी यानी वैश्य मजदूर नाई कड़िकाय तथा दास शामिल थे, यानी इनके ग्रुप में सभी लोग कोई भी ज्वाइन हो सकता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है कि कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। ठीक है, इनके विषय में पोयम वगैरह भी मिलती हैं। आगे लिखा है पहाड़ी नीदरलैंड का लिखी पहाड़ी को लिखा है पहाड़ी लिखा नीदरलैंड यहाँ पढ़ देते पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा या कार्ले कहाँ है गुफा या कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र महाराष्ट्र की एक गुफा है। नीचे फिगर दिखाया गया है, ये देखिए क्या है महाराष्ट्र की एक गुफा है, इसका फिगर देख लीजिए ये महाराष्ट्र की क्या है भाई एक गुफा, ये देखिए ये ऊपर ये पत्थर है
ये देखिए ये ऊपर ये पत्थर ऊपर लगा है और ये नीचे इतना पत्थर है, और ये देखिए यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ बैठ जा सकते थे, यहाँ बैठ सकते थे, ये सब स्थान, इसके नीचे आप रह सकते थे, ठीक है, इसके नीचे आप रुक सकते थे। चलिए देखते हैं गुफा क्यों बनाई गई है भाई, चिंतन मनन करने के लिए उन लोग देखते हैं क्यों बनाई गई भाई, पढ़ते हैं। लिखिए यह एक गुफा है, भिक्खु तथा भिक्खुड़ी इन इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, यहाँ पर आकर एकाग्रचित होकर आप चिंतन मनन कर सकते हैं। लिखा है पिछले अध्याय में वर्ण संघ और इस अध्याय में वर्ण संघ के बीच में दो भिन्नताएं हैं, क्या है, दो अंतर हैं, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, पहले के संघ में, हाँ पहले के संघ में और इसके संघ में बहुत सारी भिन्नता, इस संघ का मतलब जो है उनका एक ग्रुप था, उस संघ का मतलब जो है एक क्षेत्र था, वहाँ के रहने वाले लोगों को संघ कहा जाता था ना, और इस संघ का मतलब एक विशेष प्रकार के लोगों को जो घर छोड़कर आते उनके लिए ग्रुप रहता था। अब नेक्स्ट बात है, टॉपिक हेडिंग है बिहार, बिहार क्या हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है बिहार। चलिए ये बिहार क्या कहते हैं, ये वो वाला पटना वाला बिहार नहीं है, बिहार स्टेट नहीं है, ये कोई और दूसरा बिहार, इस शब्द का मतलब समझते, बिहार मतलब क्या होता है, ठीक है, पटना वाला नहीं, जो पटना नाम जो है स्टेट है वो उत्तर प्रदेश जो है जो इंडिया का, ठीक है, वो वाला बिहार नहीं, वो बिहार है, ये बिहार है, वी यहाँ पर क्या लिखा गया, बिहार, ठीक है। आगे बात करते हैं बिहार को, इस हम डिस्कस करते हैं, बिहार लिखा गया वी, ठीक है। जैन बौद्ध भिक्खु पूरे साल तक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, एक स्थान पर ही निवास करते थे, ऐसा समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए स्थलों निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, बाकी उनके लिए कोई परमानेंट घर नहीं होता था। और जो संघ किया गया, संघ एक ग्रुप होता, संघ में के लिए नोट होता था, बातें जानी कि संघ में कौन कौन जुड़ा, बाकी ऐसा कि ऐसा कोई स्थान आती है जहाँ सब लोग घर छोड़ छोड़ कर जाओ वहीं रहो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लिखा है जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरण स्थल बनाए गए। तो अब जब लोगों को लगा कि भाई शरण स्थल भी होना चाहिए, हमको जो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती है ना बरसात के समय, तो उसके लिए शरण स्थल भी बनाए गए, यानी स्थान भी चुने गए, ठीक है, आश्रम भी बनाए गए कह सकते, जिन्हें विहार, तो जो उनके आश्रम होते, तो मोस्ट स्टॉप इम्पॉर्टेंट है कि जो है वह स्थान विहार कैसे कहा जाता है, विहार वह स्थान जहाँ पर जैन धर्म को या फिर बौद्ध धर्म की किसकी बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले व्यक्ति जिन स्थानों पर रहते थे उनके जो आश्रम होते थे कह सकते, उन्हें विहार कहा गया, आश्रमों को क्या कहा गया, विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा, तो विहार मतलब क्या, आश्रम, पहले उनके आश्रम लकड़ी के होते थे, बाद में आश्रम ईंटों का बनाया गया। पश्चिम भारत में विशेष कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए, ठीक है, ये भी उनका एक प्रकार का जो फिगर दिखा है, ये चिंतन मनन कह सकते हैं ये कि यह क्या है, विहार है, क्या है ये, विहार है, विहार वो स्थान होता था जहाँ पर जाके वो लोग रहते थे, कब, बारिश के मौसम में, ठीक, क्लियर। आगे बात करते हैं, बस खत्म होने लगा, आगे बात करते हैं, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियाँ अलग अलग पहचान समाप्त तो हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते तो वो अपने वर्ण, देखो यही बात तो उन्होंने मेन मोर इम्पॉर्टेंट बताने की है, बुद्ध ने क्या लिखा है, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, बौद्ध ग्रंथ में लिखा था क्या कि जब कोई भी व्यक्ति निम्न परिवार का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी भी क्षेत्र का, जब उसमें शामिल गए थे तो सब लोगों को इक्वालिटी मिल जाती, सब लोग समान माने जाते थे, वर्ण श्रेणी परिवार सब त्याग देते थे और सबको एक समान अधिकार मिलते थे, सभी लोग बराबर थे, एक साथ खाते थे, रहते थे, भिक्षा मांगने साथ जाया करते थे, सारी चीज़ें। आगे बात करें कि प्रायः किसी धनी व्यापारी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, विहार बनाने के लिए यानी आश्रम बनाने के लिए, विहार मतलब आश्रम बनाने के लिए जब कोई बड़ा व्यक्ति जमीन दान कर देता था कि मैं जो है आप लोगों को देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपसे शिक्षा ली है, आपसे क्या जो है उद्देश्य सुने हैं, तो उसी स्थान पर पहले लकड़ी के बाद में जो ईंटों की सहायता से जो है आश्रम बना दिया, उन्हें आश्रम को विहार कहा जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खुणियों के लिए भोजन वस्त्र व दवाइयाँ लेकर जाते थे, लोग जो अपने गुरु के लिए उनको गुरु मानते थे, उनको दवाइयाँ भोजन फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ दिया करते थे। जो बड़े बड़े राजा लोग होते थे, जो बड़े बड़े धनी लोग होते थे, जिनके बदले वे भिक्षुकों और भिक्षुकुड़ियों लोगों को शिक्षा देते थे, और वो जब लोग देते थे तो भिक्षुक भिक्षुड़ी क्या देते थे, उस राजा को शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, और जो है ज्ञान की प्राप्ति कराते थे, उसे उपदेश देते थे, ज्ञान की बातें बताते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म
उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में पढ़ोगे। बौद्ध धर्म अपने देश में भारत के अलावा अन्य दूसरे देशों में भी फैल गया, वहां तक इसका प्रचार प्रसार फैल गया। ठीक, आइए जानेंगे भी बाद में क्यों। आगे लिखा आश्रम व्यवस्था, तो कैसे रहा करते थे जरा आश्रम, उनका बिहार में उन लोग कैसे रहते थे जरा इसके विषय में जानते हैं। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जैन बौद्ध धर्म जिस प्रकार लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला स्थान से नहीं है। अच्छा, ये आश्रम वो नहीं है, फिर इस आश्रम का मतलब क्या है आइए डिस्कस करते हैं। बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के लिए एक चढ़। अच्छा अच्छा समझ गए, इस आश्रम का मतलब जैसे जीवन में, जैसे हम लोग छोटे हैं तो हम कहेंगे हम लोग बाल आश्रम में, थोड़ा बड़े युवा अवस्था तो कहेंगे युवा आश्रम में, फिर थोड़े और बड़े हुए है ना, इसी तरह का जो है नवयुवक, फिर जब वृद्ध हुए तो हम कहेंगे वृद्धाश्रम में, इस तरह जब हम लोग फिर हमारे वृद्ध हो जाएँ तो वृद्ध क्या हमें घर त्याग देना चाहिए, लोग कहते हैं हमें संन्यास आश्रम ग्रहण करना, तो वह साल। तो सबसे पहला आश्रम बताया गया ब्रह्मचर्य, कौन सा आश्रम बताया गया, सबसे पहला आश्रम बताया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता था, हमें जो है पहले क्या किया था, जनेऊ धारण करना पड़ता था, और शिक्षा जो गुरुकुल में रह करके शिक्षा वगैरह ग्रहण करता था। फिर गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में क्या होता था, हमारी शादी विवाह हो जाती थी है ना, जो हमें गृहस्थाश्रम में जीवन व्यतीत करना था पत्नी और बच्चों के साथ। फिर आता था वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम गृहस्थ के अगले की श्रेणी तीसरे नंबर का पायदान वानप्रस्थ आश्रम होता था। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, फिर हमको जो धीरे धीरे ग्रह का त्याग करना होता था। फिर आता था संन्यास नामक आश्रम, संन्यास आश्रम में क्या करता था, हम लोग जो है संन्यास ग्रहण कर लेते थे, घर को त्याग कर जंगल में चले जाते थे, बच्चे और जो है घर के सभी सदस्यों से पूरी तरह जो है हम लोग अलग हो जाते थे और संन्यास ग्रहण कर लेते थे। ये चार आश्रमों की व्यवस्था की गई, ये इस प्रकार के चार आश्रम बताए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कितने बौद्ध धर्म के लोकप्रिय हो रहे थे, तो लोग बहुत चार आश्रमों की वर्णन किसमें किया गया पूछा जा सकता है, तो बौद्ध धर्म, किस धर्म में, बौद्ध धर्म के कौन कौन से आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो चारों आश्रम किया है, पहला ब्रह्मचर्य, जब छोटे हैं तो शिक्षा ग्रहण करने गए तो ब्रह्मचर्य, फिर जब गृहस्थ आश्रम में शादी विवाह गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ गृहस्थ की बात, फिर संन्यास, सबसे लास्ट में जंगल में चले जाओ, घर से त्याग दो, घर को त्याग दो और वहीं अपनी जो है धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से यह उपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सदा जीवन सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में का मतलब होता था बस सादा जीवन बिताओ, वरना गुरुकुल में जैसे रहना होता था, पढ़ना होता था पहले, और वेदों का ज्ञान करो, वेद वेदांग को पढ़ो, उनका अध्ययन करो। ठीक, फिर गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और न गृहस्थ में बता दी बने, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, और वानप्रस्थ में, लेकिन उसमें घर आ जा सकते थे वानप्रस्थ में ना, और अतः सबसे सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था और लास्ट में सन्यास आश्रम में सन्यासी बन जाना। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, कि आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, कि अपने जो वानप्रस्थ होगा कर सन्यास होगा, इनमें हम जाएंगे जंगल में ध्यान उपासना करेंगे। ठीक है, आगे बात करें, प्रायः स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्री को क्या वेद पढ़ने की अनुमति थी, नहीं थी, तो क्या उन्हें सुन सकती थी, और वह अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था, उसके पति जिस आश्रम में होते थे पत्नी को भी वही आश्रम मानना पड़ता था। आगे बात करें संघ, नेक्स्ट लाइन लिखिए, संघ में जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था इस तरह भिन्न थी, यहाँ इन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी चार वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी, नहीं, मेन बता सिर्फ ये कह सकते हैं मोस्टली हम कह सकते हैं ब्राह्मणों के लिए, किसके लिए ब्राह्मण, बाकी फॉलो करना चाहते कोई भी कर, लेकिन मोस्टली कह सकते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी है ना, चार वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चारों वर्णों को ऐसा मानना जरूरी, लेकिन ब्राह्मण के लिए जो है 100% थे, या फिर जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करे उनके लिए भी मानना जरूरी होता था। तो क्या वेद क्या कहते थे, हमारे चार आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य रहो, ठीक है, फिर मतलब शिक्षा उच्चा ग्रहण को वेद पढ़ो, फिर ब्रह्मचर्य के बाद कौन सा आश्रम है, नेक्स्ट में सेकंड में आप जो है विवाह करेंगे, गृहस्थ में आएंगे, गृहस्थ के बाद आप वानप्रस्थ में आएंगे, जंगल में जाएंगे ध्यान लगाएंगे, और संन्यास आश्रम में संन्यास ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अन्य, बस खत्म हो रहा है। अगला लिखा एटलस में, यह हर बार हमें अन्य जरूर मिलता है, आपके पास एटलस मैप तो आप ढूंढिएगा जरूर इसको डिस्कस करें, नहीं तो फिर अगर पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है तो आप कमेंट करके बताइए 7th की एनसीईआरटी लाए या फिर 6th की ही जियोग्राफी वगैरह सब करा दी जाए, आप एक कमेंट सेशन में बताइएगा कि 7th की एनसीईआरटी 8th की एनसीईआरटी सीक्वेंस से सारी एनसीईआरटी लेके आए। लिखा एटलस ईरान ढूंढो, जरथुस्त्र, क्या लिखा है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था, क्या था, पैगंबर, जैसे यहाँ अपने यहाँ
जो है बौद्ध धर्म में होते थे ना दो प्रकार के लोग, एक श्वेतंबर पैगंबर तथा जैन में होते थे पैगंबर वगैरह, जिसकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैन अवस्था नामक ग्रंथ, क्या ग्रंथ का नाम है? जैन अवस्था। पूछा जा सकता है कि जो है पैगंबर के विषय में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तो जैन अवस्था। नोट रन कीजिए, इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी मैं स्टार बनाऊँ समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र, जरथुस्त्र मूल शिक्षा का सूत्र है। सद विचार, सद्वचन और सद्वकर्म। क्या कहता था? सद्विचार मतलब जो है सत्य बोलो, सद्वचन सद्विचार अपने मन में अच्छे विचार रखो, सद्वचन सद्वचन बोलो और सदकार अच्छे कार्य करो। अच्छे विचार मन में रखो, अच्छे वचन बोलो और अच्छे कार्य करो। और क्या बताता है हमें जो है वेद जैन अवस्था? ये हे ईश्वर बल ईरान, ये ईरान का था, कहाँ का था? ईरान का था। ये बताता था हे ईश्वर बल सत्य प्रार्थना एवं सत्य विचार प्रदान कीजिए। वो ईश्वर से क्या कहते थे कि हमें सत्य प्रार्थनाएं दीजिए, सत्य विचार हमारे मन में लाइए, जिनके जरिए हम शांति शांति बना सके, हमारे मन में शांति रहे। और क्या कहते थे? लिखा 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद। कौन लिखा है? जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म। क्या था? प्रमुख धर्म। जैसे अपने यहाँ कौन धर्म चल रहा था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक, अपने यहाँ जैन और बौद्ध वगैरह चल रहे थे। उसी तरह ईरान में कौन चल रहा है? जरथुस्त्रवाद। वहाँ की भाषा इसलिए हमें करने में थोड़ी सी कठिनाई लग रही होगी। बाद में कुछ लिखा है जरथुस्त्रवादी ईरान जाकर गुजरात महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। कहाँ से? ईरान से आकर कुछ लोग वहाँ के यहाँ बस गए और लोगों लोग ही आज के पारसियों, क्या लिखा है? पारसियों के पूर्वज हैं। तो ईरानी कौन से थे? पारसी थे। यहाँ से बहुत सारी बातें माइंड कंसल्ट, इसको फिर समझना। सबसे पहली बात, जैसे अपने हाथ जैन धर्म चल रहा था उसी समय ईरान में, कहाँ? उसी समय ईरान में, ईरान में कौन सा धर्म चल रहा था? वहाँ चल रहा था ईरान में जरथुस्त्रवाद। क्या चल रहा था? जरथुस्त्रवाद। इसकी एक पुस्तक भी है जैन अवस्था। जैसे अपने यहाँ बौद्ध धर्म की कौन सी पुस्तक? विनय पिटक लिखी गई है ना, और कई पुस्तकें लिखी गई, एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं की गई लेकिन हमने पढ़ा है जो बहुत सारी पुस्तकें आप रिलूशन पाएंगे तो मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह ईरान में चल रहा था अपने यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो वहाँ के कुछ लोग आकर अपने यहाँ अपने देश में बस गए। कहाँ कहाँ अपने देश में बस गए? वो लोग आकर गुजरात में और महाराष्ट्र में बस गए। तो यहाँ अपने यहाँ जो पारसी हैं, पारसी वो इन्हीं के पूर्वज वही लोग आके बस गए और यहाँ भारत में ईसाई धर्म का प्रचलन शुरू हो गया। आगे कल्पना करो, तुम लगभग क्या लिखा है? तुम लगभग 250 वर्ष पूर्व, ठीक, एक उपदेशक को सुनने जाना चाहते हो, वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे? इसका वर्णन करो। मैं कहूँगा कि मुझे ज्ञान सीखना है, मुझे अच्छी अच्छी बातें समझनी है, मुझे अपनी समझ की शक्ति बढ़ानी है, मुझे उस उपदेशक को सुनने जाने दीजिए, मुझे समझना है कि कैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, वो उपदेशक क्या बताना चाहता है, वो हमें सत्य के बल से हमें बताएगा, हमें माता पिता से कहेंगे मुझे, वो बताएगा कि जो है सत्य बोलना चाहिए, सारी चीज़ें बताएगा हमें, जाने दीजिए उसको सुनने के लिए ना। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जो मोस्ट में सबसे पहले तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या होता है? इच्छा। क्या होता है? इच्छा। तृष्णा मतलब क्या होता है? इच्छा। कहा जाता है कि तृष्णा मतलब इच्छा होती है, और तृष्णा का इच्छा का हमारा नष्ट कब होगा? जब हम अपने आप आत्मसंयम रखेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि अब हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें सोचना बंद कर देंगे तो हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात बताएगी प्रकृत, प्रकृत मतलब जो भाषा एक प्रकार की है, जो है सरल भाषा होती थी, सारे वेद वगैरह और प्रकृत भाषा में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए हैं, उनके नियम कानून लिखे गए हैं, इसलिए क्योंकि भाषा सभी को आसानी से समझ में आए। आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर निवास करती है, आत्मा कहते हैं, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, वो सार्वभौमिक है। आत्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही रंग है, ना ही रूप है, और ब्रह्म भी एक प्रकार का आत्मा का ही मान सकते हैं, आत्मा का ही तरीका। ब्रह्म और आत्मा दोनों विलीन हो जाती, एक हो जाती हैं, ठीक, और इन दोनों का ना ही रंग रूप आकार वगैरह कुछ नहीं है। उपनिषद मतलब क्या होता था? उपनिषद में कहा जाता है कि जो है अध्यापक और बच्चों की संवाद लिखे, कहानियाँ लिखी हैं जो हमें ज्ञान की बात करती, हमें जो है कुछ सीख देती है, ठीक है। और उपनिषद को क्या महिलाओं को पढ़ने का उपदेश नहीं था ना। आगे बात करें जैन क्या था? जैन एक प्रकार का धर्म था जिसके संस्थापक महावीर थे, स्वामी महावीर जी थे। जैन धर्म में क्या बताया गया? चोरी नहीं करनी चाहिए ना,
है ना, ज़्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए। चीज़ें अहिंसा मतलब क्या, मतलब अहिंसा के विषय में क्या बताया गया बौद्ध धर्म जैन वगैरह में, अहिंसा के विषय में बताया गया कि जीवो पर दया करो, जैन बौद्ध धर्म जैन धर्म में बताया गया। इन सब चीज़ लोग सामाजिक धर्म का उद्देश्य मिलकर सेम ही था, कुछ कुछ कह सकते हैं। चोरी मत करनी चाहिए, जीवो पर दया करो। अहिंसा का मतलब होता है कि जीवो पर दया करो, किसी भी जीव को न मारो, सभी जीवों को जीने का अधिकार है। भिक्षुक जो व्यक्ति होते थे और जो है अपने मतलब परिवार में रहकर भी अगर बौद्ध धर्म को फॉलो करना चाहते थे तो भिक्षुक कहते थे। उनके लिए कुछ नियम सरल थे, भिक्षुक मतलब आदमी जो बौद्ध धर्म के लिए करे। और संघ मतलब इसमें संघ, इस बौद्ध धर्म से का संघ दूसरा, पिछले जो संघ पढ़े हमने वो दूसरा है। इस संघ का मतलब होता है, इस संघ का मतलब होता है एक प्रकार का ग्रुप। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता था, उससे ज्वाइन हो जाता था, उसके ग्रुप को बौद्ध धर्म में संघ कहा जाता है। जैसे मैंने मानो किसी एक जो है गुरु से कहा कि मुझे बौद्ध धर्म की शिक्षा, उसने कुछ गुरु मंत्र बता दिए, अपना माला वाला पहना दे, कह दिया कि आज तुम मेरे, आज तुम मेरे ग्रुप के सदस्य हो। तो कोई व्यक्ति हमें मिलेगा तो ये कहेंगे कि यार ये तो संघ का आदमी है। क्या है ये तो संघ का आदमी। संघ मतलब क्या, उनका ग्रुप, बौद्ध धर्म के ग्रुप को संघ कहा जाता था। विहार, विहार मतलब वह स्थान जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। जैसे मैंने घर छोड़ दिया, मैंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया, तो मैं जिस स्थान पर जाकर रहूंगा वो विहार होगा। कह सकते हैं उनका आश्रम क्या होता है, एक प्रकार का उन लोगों का, बौद्ध लोगों का आश्रम होता है, जिसे विहार कहते हैं। ठीक है, विहार पहले लकड़ी के बने होते, बाद में ये विहार ईंटों के बनाए गए। और आश्रम, आश्रम और विहार में थोड़ा सा अंतर हम कह सकते हैं। आश्रम क्या हो सकते थे, आश्रम में सारी ऐसो आराम की चीज़ें होती थी, लेकिन विहार क्या होता था, जो लोग बड़े बड़े राजा दान में भूमि दिया करते थे, उसी जो भूमि, भूमि दान में दी जाती थी, उसी भूमि पर लकड़ी के या ईंटों के घर बनाकर जो रहते थे उसे विहार कहते थे। और आश्रम में ज़्यादा ऐसो आराम की चीज़ें रहती रही होंगी। ठीक है, आगे डिस्कस करें। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने किन किन बातों पर जोर दिया। बुद्ध ने जो है बताया कि जो है हम तृष्णाएं हमारी इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, जिसने इच्छाएं करना बंद कर दिया समझ लो, उसने जो क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, उसके जो है सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। लालच मत करें, ये लिखा है सही गलत बताइए। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत जवाब। बुद्ध ये नहीं कहते थे, कहते जीवों पर दया न करो, कोई भी नहीं कहता था जीवों को मारिए। बुद्ध द्वारा प्रथम उद्देश्य सारनाथ, कहाँ, सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व। हाँ सही, सारनाथ कहाँ है पूछा जाता, बनारस में, कहाँ है, वाराणसी में। अगला क्या है, बुद्ध ने, अगला है बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत, कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है पुनर्जन्म में, कहता है जो हम कर्म करते हैं उसका जन्म प्रभाव इस जन्म में भी, अगले जन्म में, बाद में भी पड़ता था। बुद्ध जी कहते थे, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, बोध गया में, कहाँ हुई, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध जी को, बताइए सही गलत। सही है, लिखा गौतम बुद्ध को जन्म, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे जो है बोध गया में हुआ ना, पिनपुन पुनपुन नदी के जो है पास। अगर लिखा है उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा ब्रह्म वास्तव में एक ही है। सही, क्या है, आत्मा ब्रह्म दोनों एक ही है। ठीक है, उपनिषद के विचारकों का मानना था। उपनिषद के विचार किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, उपनिषद के विचार बताना चाहते थे कि जो है वाद संवाद विद्यार्थी और उनका किया गया उपनिषद में। ठीक है, कि जो है उपनिषद बताना चाहता था हमें कि जो है, कि जो है गंभीरता को जीवन के, कि जो बताता जाता था कि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, ये सब चीज़ें। अगर महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, महावीर कहते थे कि जो है, महावीर स्वामी, महावीर कहते थे जीवों पर दया करो, सबको जीने का अधिकार है, किसी को कष्ट वगैरह मत दो। एक बार इसका शॉर्ट रिविजन करते हैं फिर फिनिश, बस 2 मिनट लगेंगे शॉर्ट रिविजन पूरे चैप्टर का। ठीक है, पूरे चैप्टर का शॉर्ट रिविजन, बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहाँ से, बात की जाए विद्यालय में जा रहे, उसने लिए देर रात पुणे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्या, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ जी बचपन का नाम था, और इनका गौतम, गौतम नाम से इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व। और महाजनपद, महाजनपद मतलब बड़े बड़े महाजनपद के संपूर्ण चुके, जो बस मतलब जनपद, जनपद मतलब वो थे जहाँ बहुत सारे ग्रुप लोग रहे और जहाँ कई सारे जनपद मिल जाए तो उसे कहते थे महाजनपद। ठीक, क्षत्रिय थे बुद्ध जी और शाक्य कुल के थे और गढ़ से संबंधित थे, छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया, कहाँ, बोध गया में, बिहार में, कहाँ, बोध गया में, बिहार में, बोध गया मतलब बिहार में, इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वाराणसी यानी सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया और मृत हो गई कुशीनारा में। ठीक है, पूरा जीवन ये पैदल ही चलते रहे, शिक्षा देते रहे। बुद्ध ने शिक्षा के जीवन कष्टों से दुखों से भरा, बुद्ध ने कहा कि जीवन कष्टों से भरा, इसको अच्छा तरीका इससे छुटकारा पाना तो इच्छाएं खत्म कर दो, कोई भी इच्छा मत रखो, है ना। उन्होंने कहा तृष्णा मतलब इच्छा ही दुखों का कारण, लिप्सा मतलब जो लोगों से लगाव ही दुखों का कारण है। आत्मसंयम, खुद पर संयम रखो, इच्छाएं अपनी खत्म करो, तुम्हारी लालच खत्म करो, तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्म हमारे वो इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उन्होंने भागसा चुकी प्रकृति में, फिर उन्होंने दूसरी चीज़, ये उनका जो है था स्पूत था, क्या था, स्तूप था।
आगे उन्होंने बताया कि सगौतमी की कहानी की जो है मृत्यु निश्चित है, कुछ जो कई जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने बताया आत्मा हमको जो है उपनिषद में बताया गया, क्या होता है उपनिषद में बताया गया कि आत्मा जो है क्या, उपनिषद में बताया गया कि आत्मा जो है, उपनिषद में बताया गया जो आत्मा है वो जो है ब्रह्म और सार्वभौमिक आत्मा, आत्मा का रंग रूप नहीं, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। फिर उन्होंने बताया गया कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है, और बताया गया कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ये उन्होंने बताया। ठीक है, इससे विचार और वार्तालाप हैं। फिर बुद्धिमान भिखारी के समय था जिसने कहा कि आप लोग किसकी उपासना कर रहे हैं, सौनक और अभिप्रातरिणी वाली कहानी, तो उसने कहा कि मैं आत्मा की उपासना करता, तो उसने कहा मेरे अंदर भी आत्मा है, मुझे भोजन दे दीजिए, ऐसे चीज़ें। फिर उन्होंने बताया कि जो है उसमें जो है उपनिषद में चर्चा किसके नाम ने, तो ब्राह्मण और पुरुष के राजा, लेकिन गार्गी जैसी महिलाओं का भी वर्णन किया गया। ठीक है, सत्यकाम और जवाल बोले गरीब लोगों को उसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन सत्यकाम और जवाल इसका अपवाद इन लोगों ने किया था। शंकराचार्य के समय कक्षा 7 में पढ़ेंगे। व्याकरण विद पढ़नी पढ़नी के विषय में क्या था, जिस समय ये सब काम उस समय सूत्र भी कुछ खोजे गए। फिर जैन धर्म कैसा, इसके संस्थापक महावीर जैन थे, 2500 वर्ष पूर्व इनका भी जन्मदिन। बुद्ध धर्म और जैन धर्म कुछ लगभग आसी पास के हैं। आगे ना इन्होंने 12 वर्ष तक तपा किया कि कठिन परिस्थिति की एकांकी जीवन अकेले जीवन बिताया। बौद्ध स्वामी महावीर ने भी इन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो गई। इन्हें लिखा इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया, और वज्जी संघ में लिच्छियो कुल के क्षत्रिय राजे भी क्षत्रिय थे इन, लेकिन वज्जी संघ थे, इनका कुल कौन था, संघ कैसा था, वज्जी संघ था। अगर लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, इनकी शिक्षा इन्होंने कहा कि अहिंसा कीजिए, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया, बोला जीवों को न मारो, सभी को जीने का अधिकार, ये बताया उन्होंने। पुरुषों को वस्त्रों को छोड़ वस्त्र से मतलब पुरुषों को सब कुछ छोड़ देना था। और उन्होंने कहा चोरी मत कीजिए, जैन जी ने कहा ईमानदार रहिए। ठीक है, और इनके ग्रुप को ज्वाइन करने पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ छोड़ देना पड़ता था, वस्त्र तक छोड़ देने पड़ते थे। और इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा घर में जो रहने घर कई अपने घरों में रहते थे, भिक्षु को भिक्षुड़ी कहते थे। इनका उन्होंने कहा कि जाइए जो है भोजन जो है भिक्षा मांगिए, उससे अपना जीवन यापन कीजिए। और देखो जैन, जैन शब्द का अर्थ भी लिखा है उन्होंने, क्लियर कि जैन शब्द मतलब जिन, जैन मतलब क्या, जिन शब्द ने लिखा जिसका अर्थ है जिन, मतलब होता है विजेता, जो जीत सके। जैसे कोई महावीर ने जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया, जिन मतलब होता है विजेता, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, जो ईमानदार रहने लगे, जीवों पर दया करने लगे, और ये मतलब जीवों पर दया करे और ईमानदार है, तो उसे हम विजेता कह दें, क्या ये व्यक्ति क्या हो गया, विजेता हो गया, जिन हो गया, मतलब ये अब जीवों को नहीं मारता, इसने अपने मन पर जीत लिया, अब जीवों को कष्ट नहीं देता। ठीक है, आगे व्यापारी लोग ज़्यादा जैन धर्म के थे, व्यापारी ज़्यादा थे जैन धर्म, कृषक कम थे, कृषक अपनी फसल की रक्षा करने के लिए जीवों को मारना पड़ता था ना। गुजरात तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इनका प्रचार प्रसार हो गया, इनके अनुयायी इनके मतलब शिष्य फैल गए। संघ मतलब एक प्रकार का ग्रुप होता था, जिस ग्रुप में बौद्ध धर्म महावीर और बुद्ध धर्म के लोग जो है अपना घर त्याग कर जिसमें रहने लगते थे, उसमें बौद्ध धर्म के विषय में विनय पिटक में रचना की गई, बौद्ध के नियम वगैरह। ठीक है, तो सारा इस तरह आप इनको देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लिया। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग में। प्लीज़ दोस्तों अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। मिल लेते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।